चैप्टर टू कच्छ की सैर। तो कच्छ के बारे में आपने सुना ही होगा और कई लोग गए भी होंगे। जो लोग नहीं गए हैं वह यह चैप्टर पढ़ के उसे भी यह लगेगा कि मुझे भी एक बार तो कच्छ जाना है। वहाँ पे कच्छ में कितने सारे छोटे छोटे गांव हैं और कितने सारे गांवों के कुछ विशेषताएं हैं। तो यह चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे और यह हमें इसमें दिखेंगे कि क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यह इस चैप्टर के लेखक है हरीश ढोलकिया। यह एक यात्रा वृत्त है। कच्छ निवासी हरीश ढोलकिया अध्यापक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बहुत चर्चित पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगनपंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य में आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारत्व आपके लेखन के क्षेत्र हैं। कच्छ मित्र में आप सुरखाप स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। का सर्जन कार्य अगनपंख 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। पुस्तक इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द-गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देशप्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। तो कच्छ एक गुजरात का, यानी कि कच्छ गुजरात का राज्य का एक जिला है। भारत की प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेषों यहाँ पाए जाते हैं। यानी कई पुराने जो 5000 सालों पुराने हैं ना, वह संस्कृति के अवशेषों यहाँ हमें कच्छ में देखने मिलते हैं। यहाँ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थानों का महत्व आज भी कायम है। भुज कच्छ का मुख्य नगर है। इस पाठ में कच्छ प्रदेश के बारे में बहुत सी जानकारी बड़े ही रोचक ढंग से दी गई है, वह हम इस चैप्टर में जानते हैं। तो देखो यह कितना रमणीय स्थल लग रहा है, जैसे ऊंट पे सवार होके दो ऊपर बैठे एक चला रहे हैं। वैसे हमें कच्छ देखे तो एक बार ऐसा ही लगता है कि एक बार तो हमें कच्छ जाना ही, एक बार जाएंगे तो उसे हर साल लगेगा कि साल में हम एक बार गए तो दूसरे साल भी हम वहाँ पे यात्रा करने जाएं। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है, यानी कि एक पूरा विशाल भारत है, उसमें कितनी सारे दर्शनीय जिले हैं जो हम देखने लायक है। लेकिन सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य, लेकिन सब जिले का अपना अपना महत्व है और वहाँ की सौंदर्यता है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है, यानी गुजरात उनमें से ही एक अनोखा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, यानी गुजरात का एक बहुत विशिष्ट यानी अनोखा जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र, यानी यात्रियों जब सब यहाँ पे घूमने आते हैं उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र है। या इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। या पौराणिक यानी जो पुराना जूना महत्व, पुराना महत्व बोले ना, वो भी बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। उन अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम कह सकते हैं। यानी कि दर्शनीय स्थानों हैं और वहाँ पे कितने सारे विविध, हम बोलते हैं ना, कारण विविध कुछ पुरानी चीज़ें वहाँ पे रखी हैं, तो उसी लिए वहाँ पे म्यूजियम अथवा तो संग्रहालय कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने मिलते हैं। यानी हम कच्छ में प्रवेश करें और हमें रेगिस्तान यानी क्या होता है, जो रण बोलते हैं ना, वो उसके दो भाग मिलते हैं। एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान, यानी एक छोटा रण और दूसरा बड़ा रण। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, रेत कहीं नज़र नहीं आती, अतः वह अनूठा रेगिस्तान है। लेकिन यह एक अलग प्रकार के रेगिस्तान है, क्योंकि रेगिस्तान में क्या होते है, पानी कहीं नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है, पूरी क्या होता है वहाँ पे, हम बोलते हैं ना, जैसे कि रेती रेती होती है। लेकिन यहाँ पे जो कच्छ में जो दो रेगिस्तान है, एक छोटा और बड़ा, उनमें वो क्यों अलग रेगिस्तान के, क्योंकि वहाँ पे रेत तो कहीं नज़रे नहीं आती, इसलिए वहाँ पे अनूठा उसे अनूठा यानी अनोखा रेगिस्तान बोलते हैं। वह कच्छ में दो रेगिस्तान है,
आपको एक क्वेश्चन में पूछा जाए कि कच्छ में कितने रेगिस्तान है, तो आप कह सकते हैं कच्छ में दो रेगिस्तान है, एक छोटा और एक बड़ा। इनमें रेत नहीं पाई जाती, इसीलिए यह अपनी तरह से अनूठे रेगिस्तान हैं। फिर आता है शामख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं, क्योंकि शामख्याली से ही कच्छ स्टार्ट होता है, जिसे हम गुजराती में शामख्यारी बोलते हैं, वहाँ से ही कच्छ स्टार्ट होता है। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ, यानी उत्तर शामख्याली से उत्तर के साइड है, वहाँ से यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोराविला पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति, यानी से रापर से हम कच्छ में, फिर रापर से धोराविला पहुँचते ही हमारी प्राचीन यानी जूनी पुरानी संस्कृति है, जो मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है, यानी 5000 वर्ष से पहले से या तब से लेकर अभी तक वहाँ पे सब कुछ चीज़ें हैं, वो यहाँ पे हैं, वो बना हुआ है, वो इतने सालों से बना हुआ है, इसीलिए वह प्रसिद्ध है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं, हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं, यानी प्राचीनता में हमें क्या होता है, आधुनिक यानी कुछ अलग कुछ नया देखने को मिलता है। फिर आगे यह आपको सब यहाँ पे पास में दिए गए हैं इसके चित्र। शामख्याली से पश्चिम की यात्रा करते बचाव नजर आता है, यानी हम पश्चिम की साइड जाए तो हमें क्या नजर आता है, बचाव, जो बड़ा गांव है जैसे नगर है, वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है, यानी कि पाकिस्तान में जो सिंध गांव था उस वहाँ से वह प्रजा आके यहाँ पे कच्छ जिले में रही है, इसलिए वह सिंधी कहलाते हैं। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पासी कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है, यानी कंडला का जो बंदर है ना उसका भी बहुत बड़ा महत्व है, और आदिपुर में गांधी स्मृति है उसके वह भी बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है, वहाँ पे कंडला पे जो विकास हुआ है वो प्रजा के लिए बहुत महत्व का है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है, देखो यहाँ पे आपको पास में दिखाई दे रहा है, यानी कि कंडला के दक्षिण की ओर जाए तो जैनों का प्राचीन यात्रा धाम भद्रेश्वर है, और मुंद्रा का विकास एवं बंदगाह के रूप में हुआ है। मांडवी बहुत सुंदर बंदरगाह है और प्राचीन नगर है, यहाँ कई स्थानों दर्शनीय, यानी कि जैसे कि भद्रेश्वर यानी ये जैन यात्रा धामों का है, फिर मुंद्रा, फिर मांडवी, यहाँ पे भी बीच यानी कि बंदरगाह यानी कि बीच कई सारे वहाँ का भी महत्व है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना कार्य जोरों से चल रहा है, इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है, तहसील यानी हम जो बोलते हैं ना तालुका बोलते हैं, तहसील यानी कि तालुका का मुख्य केंद्र, यानी आधुनिक तहसील मुख्यालय भी है, यानी कि तहसील यानी मुख्य तालुका है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है, यहाँ मुंद्रा है वहाँ पे कितनी सारे वहाँ उद्योग क्यों है, क्योंकि वहाँ पे कितनी सारी कंपनियाँ है वहाँ पे है, मुंद्रा में है, इसलिए उसका विकास ज़्यादा हुआ है, यानी विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है, यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे, यानी कि मांडवी में जो बीच है ना उसका बहुत बड़ा महत्व है, वहाँ पे बहुत अच्छे सब जाते हैं, कोई भी कच्छ जाता है तो वहाँ पे तो जाता ही है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है, तो वह शहर मांडवी शहर क्यों अधिक दर्शनीय बना है, क्योंकि वहाँ पे बड़ा प्राचीन नगर है और वहाँ के शहर वह है ना राजा का महल है उस शहर में, और पवन चक्कियाँ हैं और समुद्र तट यानी कि बीच, इसके कारण वह अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्रामीण संस्था से 72 जिनालय हैं, यानी
72 जिनालय यानी हम बोलते हैं ना 72 जिला 72 72 जिनालय हैं। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है, यानी कि यह 72 जिनालय है ना, तो उसे हम कहे ना तो गुजराती में बोलते हैं ना 72 जख बोलते हैं, वह एक वहाँ की बहुत खासियत है। फिर पास में ही बिदड़ा गांव है, बिदड़ा गांव में एक अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल अस्पताल है, वो भी फ्री है गवर्नमेंट की है। मांडवी से आगे चलते डुमरा कोठीरा सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। तो जखो गांव है ना वहाँ पे ये इतने सारे सब महत्व गांव है, और लेकिन इसमें जखो है वो भी एक अनोखा एक हम बोलते हैं ना गांव है। वहाँ पे एक बंदर है, वहाँ से भी कितने सारे लोग काम करते हैं। जैनों का प्राधान्य यहाँ नज़र आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है, यानी नलिया शहर है वो भी एक बड़ा केंद्र हम बोलते हैं, तहसील यानी तालुका है, नलिया शहर एक तालुका केंद्र है, वहाँ पे भी कितने सारे काम होते हैं। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है, यानी कि नलिया में एक जो वायुसेना है ना वहाँ पे क्या है मुख्य, उसका मुख्य अड्डा है। नलिया से एक घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है, यानी कि नलिया से हम आगे जाए तो एक घंटे के बाद जो नारायण सरोवर आता है ना वह एक बहुत ही बड़ा और अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान है, वहाँ पे कितने सारे लोग जाते हैं। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है, यानी कि जब रामायण हुई थी ना पूरी तब का यह माना जाता है, यह इतना पुराना है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जो आपको पास में दिखाई दे रहा है, जहाँ से रावण गुजरा था, यानी एक कोटेश्वर नामक एक मंदिर है ना वो इसे क्यों इतना खास करके वहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्य दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त यानी जो सूर्य सुबह निकलता है और शाम को ढल जाता है वह वहाँ बहुत खास दर्शन होते हैं। नारायण सरोवर यह एक अति प्राचीन और पौराणिक स्थान है, और कोटेश्वर यहाँ का दर्शनीय मंदिर है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य बड़े आकर्षक होते हैं, यानी इसलिए वह स्पेशल दर्शन करने कितने सारे लोग जाते हैं। नारायण सरोवर से आगे यात्रा में वहाँ नारायण सरोवर से फिर आगे जाओ तो वहाँ पे लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है, यानी कि नारायण सरोवर से हम आगे जाए तो वहाँ पे एक लखपत जिला है, वहाँ पे गुरु नानक के चरण रज है, इसे वहाँ से चरण रज से पावन वह भूमि है, इसलिए वहाँ पे गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए दर्शनीय आने, तो यह एक इतना समृद्ध शहर था जो जीर्णावस्था यानी कि जो हम टूटी फूटी अवस्था बोलते हैं ना जैसे वो हो गया वो वहाँ पे नज़र आता है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में प्रांदो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है, यानी कि वहाँ पे कितने सारे वहाँ पे जो खनिज हम बोलते हैं ना जो ज़मीन के अंदर से हमें कुछ मिलता है, प्रांद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है, तो वो एक प्रांद्रो है वो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध किया है, और साथ ही विद्युत भी निर्माण यानी कि पवन चक्की भी वहाँ पे कितनी सारी है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है, यानी हम लखपत से कच्छ मध्य कच्छ में आए ना तो वहाँ पे एक मुसलमानों के लिए हाजीपीर एक गांव है हाजीपीर, जहाँ मुसलमान के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है, और वहाँ पे भी हमें वहाँ से हम हाजीपीर जाएं तो हमें वहाँ से पाकिस्तान की बॉर्डर भी दिखाई देती है, कितने दूर तक है लेकिन तो भी हमें दूर से भी यह पाकिस्तान की बॉर्डर दिखाई देती है। कहाँ से तो के हाजीपीर से। यहाँ पीर की मज़ार है, रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है, यानी कि यहाँ से वो चालू होता है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है, यानी कि माता का मठ का भी बहुत कच्छ में बहुत ही नाम है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पदयात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं, यानी कि जब नवरात्रि होती है
तब जैसे कि चैत्र महीने की नवरात्रि और लास्ट में फिर जो नौ दिन की नवरात्रि होती है ना, वहाँ पे भी और जो नौ दिन की नवरात्रि और चैत्र महीने की नवरात्रि सब वहाँ पे चल के यानी कि पैदल चल के वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं, यानी पद यात्रा वहाँ से करते हुए वहाँ श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष पुरेश्वर मंदिर वांडाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। तो वहाँ से हम जाएँ तो ऐसे कितने सारे गांव है जो प्राचीन स्थान से है, पहले से ही है और वह बहुत नामक है। जब आप लोग कच्छ जाओ तब यह सब आप देख रहे कि कैसा, जो जाके आएंगे उन्हें तो पता ही है, लेकिन जो नहीं गए हैं वो भी यह सब गांव घूमना बहुत मज़ा आएगा। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भूज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है, यानी कि भूज इतना जैसे हम देखें ना वो सिटी जैसा ही लगता है। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। यानी इतने सारे भुज में इतने सारे जो स्थान है, मंदिर है, फिर जैसे तालाब है, ये सब हमें भुज में मिलते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया है तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनर्निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया। यानी 2001 में जो बहुत बड़ा जो भूकंप आया था ना उसमें यह जर्जरित यानी टूटा फूटा थोड़ा कुछ टूट गया था, तो उसे लोगों ने क्या किया है नए स्वरूप में यानी कुछ उसमें थोड़ा मरम्मत करके पुनर्निर्माण किया गया है और वो भुज के प्रसिद्ध स्थान है। और वहाँ का एक जो हम बोले ना काला डूंगर जो हम पहाड़ बोलते हैं ना वो भी एक बहुत बड़ा फेमस है। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में यानी कि खावड़ा गांव है उसमें एक काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है, यानी पहाड़ पर चढ़कर हमें यह लगता है कि यह पूरा एक रेगिस्तान जैसा है, वह हमें ऐसा लगता है, वो एक अनोखा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है, यानी कि वहाँ पे जो काला डूंगर है उसके पास में हम जो बोलते हैं ना सफ़ेद रण, वाइट रण हम बोलते हैं ना सफ़ेद रण, वह उसका दर्शन यानी कि वह एक रणोत्सव जो कि दिसंबर में स्टार्ट होता है और जनवरी तक होता है, वो कहीं विदेशी यानी कि हमारे भारत के नहीं लेकिन दूसरे लोग कितने सारे विदेशी जैसे भारत के अलावा कई देशों से आए हैं वो लोग यहाँ पे कोई स्पेशल देखने आते हैं और वो देखने आते हैं तो वहाँ हमें उनसे ज़्यादा पैसे लेके हम अपना राज्य यानी जो कुछ लोग वहाँ पे सब जैसे रेगिस हम देखे वह सफ़ेद रण वहाँ पे कितने सारा टेंट बंधे हुए हैं, कच्छी वर्क की सारी चीज़ें वहाँ पे मिलते हैं, वह इसलिए वह प्रख्यात हो गया है। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने भी एक बोला है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, क्योंकि कच्छ इतना रमणीय स्थल है और यात्रा के लिए हमें बहुत मज़ा आता है, इसीलिए जो कोई भी कच्छ ना गया हो एक बार तो ज़रूर कच्छ जाके आए। इसलिए यह सब कोई भी बोलता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, हम शहर में तो रहते ही हैं लेकिन एक ऐसे गांव में भी जाओ जहाँ पे बहुत सारी विशेषताएँ हैं, जैसे कि यह कच्छ के रण की हम जो बोलते हैं सफ़ेद रण वो सिर्फ बोलने का रण है, वहाँ पे वो पानी दरिया जब बारिश होती है तब वहाँ पे पानी तो आता है फिर चला जाता है, जो नमक होता है वहाँ से वो वाइट हो जाता है, इसलिए वहाँ पे सफ़ेद रण बोलते हैं, जो उसका रणोत्सव का बहुत ही महत्व है, कई दूर दूर से लोग वहाँ पे देखने को आते हैं, तो हमें भी एक बार वहाँ देखने जाना चाहिए। और वहाँ पे जो कच्छी वर्क जो हम करते हैं ना जैसे कि कच्छी वर्क वो दुपट्टे होते हैं, साड़ियाँ होती हैं, कच्छी वर्क वहाँ का प्रसिद्ध है और वहाँ के कच्छ के बांधनी भी बहुत प्रसिद्ध है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं, सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है, यानी वह एक देखना वो एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है, यानी आधे एक घंटे का रास्ता है भुज से जो अंजार आता है। आगे बढ़ते हुए सुरजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है, यानी कि वो संस्था है
सृजन संस्था, वहाँ पे एक वो जो हस्तकला से सब हाथ से मशीन से नहीं लेकिन जो हाथ से काम किया जाता है वह वहाँ से पर यानी कि वह हस्तकला का परिचय होता है कि कैसे सब करते हैं। फिर जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है यानी कि जैसल तोरल की एक समाधि हम बोलते हैं ना स्मृति यानी एक समाधि, वहाँ पे एक मंदिर बना है उसकी भी एक अनोखी विशेषता है बने हैं जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है यानी कि सूरजबारी जो है जैसे कि सामख्याली से स्टार्ट होती है और सूरजबारी से कच्छ की यात्रा क्या होती है पूर्ण होती है जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। वो कितनी सारी स्मृतियाँ जो हम सोचा नहीं था कि ऐसा सब भी यहाँ हो सकता है वह यहाँ पे छोड़ जाती हैं। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोग के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है यानी हम कभी भी मौसम हो तभी हम कच्छ जाए तो कुछ अलग ही हमें नज़ारा मिलता है। इसलिए जो लोग कच्छ नहीं गए हैं वो एक बार कच्छ जाके आए और वहाँ की विशेषता देख के आए जो बहुत ही अच्छी है। एक बार आप कच्छ जाओगे तो ऐसा लगेगा कि हर साल मुझे एक बार तो कच्छ जाना ही चाहिए। इसके अनुवादक है महेश भाई उपाध्याय। शब्दार्थ अनूठा यानी अनोखा विशिष्ट, रेगिस्तान यानी मरुभूमि यानी हम रण भी बोल सकते हैं जो जिस मरुभूमि और जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं आती। फिर मज़ार यानी दरगाह जो मुसलमान लोग जाते हैं वो हम जैसे हम मंदिर बोलते हैं हिंदू लोग मंदिर बोलते हैं वैसे वो मज़ार और यानी कि दरगाह। गुरुद्वारा यानी सिखों का धार्मिक स्थल। भूचाल यानी कि भूकंप।